हर तरह की <laughs> <everyday, laughs> एवरीडे आ जाती है <laughs> yes, तो, so हमारा फोकस है बहुत ज्यादा प्र, प्री प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड बिकॉज मेरा एक दो, दो दो चीज़ें जो मुझे बहुत इरीटेट करती हैं वो है कि कोई डेट हो सेट पे आ, और कोई दूसरा कोई कह के, के मैं सुबह उठ नहीं सकती तो है मिले नहीं उनको वापस <laughs> क्योंकि उसके एक हफ्ते बाद आ गई <laughs> उसने रामचंद्र को ऐसा मारा अभी आप, आप से वादा किया था कि कभी दिल नहीं दुखाओगे मेरा <laughs> फिर तुमने रोज दिल दुखाया <laughs> ये वादा तोड़ने की वजह से मैं इस दरवाजे से बाहर जा रही हूँ अपने साथ ले जा रही हूँ

चले फिर यू स्टिल गॉट मोर पीपल देन मोहिब मिर्जा डू देयर फिल्म्स सॉरी मोहिब भाई प्लीज फिल्म पे आए uh, रामचंद पाकिस्तानी होपफुली सबने देखी होगी बिकॉज उस टाइम टीवी पर भी आई थी नहीं तो आप लोगों ने ड्रामे तो देखे ही होंगे मेहरीन जब्बार कैसी हैं आप ठीक ठाक बस आपके जो कह रहे थे बस कॉफ एंड ब्रोंकाइटिस से रिकवरी हो रही है तो ऑलमोस्ट वन कॉफ अ डे हो गया बस आई थिंक ये जो अमेरिका uh, हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए ना मुझे वापस आते हैं फिर <laughs> उनसे कराची हैंडल नहीं होता अभी साल हारून भी आया हुआ था <laughs> द सेम प्रॉब्लम प्रम पाँच हफ्ते से खांसी हो रही है यार कि मैं तो हर साल आती हूँ काफी अरसे के लिए आती हूँ इस दफा कुछ हुआ है कुछ ज़रा तगड़ा वायरस है इस दफा कुछ है कराची में समथिंग समथिंग इज डूइंग द राउंड सो यू सेड यू जस्ट फिनिश प्रोजेक्ट जी एंड आपको अब तक बटरफ्लाइज होती हैं तो मुझे मुझे जरा तजुब हुआ सुनकर और थोड़ी खुशी भी हुई क्योंकि मुझे भी होती हैं अब तक अगर मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ या परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पर जा रहा हूँ एंड देन हम लोग अब तक नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर आप तो अब तक हो आपको अब तक हो रही हैं तो मतलब होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए बिकॉज एक तो आई फील कि अभी तो इतना कुछ सीखने को बाकी है मैं तो जाती हूँ सेट पे एंड आई थिंक हाय मैं ये क्यों नहीं आता या इस तरह मैंने क्यों नहीं किया तो वो बहुत अच्छी बात है बिकॉज आप फिर रिलैक्स नहीं हो जाते और चिल आउट नहीं होते और अपनी वाहवा नहीं करते इस एम्पटेस को अगर हम पीछे लेके कर जाएँ अठारहवीं सदी में जब आप यू सी mm -hmm. <laughs> तो सोलह सो तो ये माई मास्टर्स इन थिएटर एंड आई हैड अ सिमिलर एम्पिटर्स को मैं थिएटर कर रहा था जरा मजा मैं कर रहा हूँ मुझे पैसे भी मिल रहे हैं मुझे डायरेक्टर करने को डायरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है आता मुझे एक्चुअली कुछ नहीं है तो दो चीज़ें पढ़ कर आ जाऊँ सो <laughs> so, आप यू सी एल ए में आपने फिल्म डिप्लोमा किया राइट मैंने यहाँ दो, दो साल के लिए किया उस वक्त क्योंकि मैं कॉलेज गई थी यहाँ पे सेंट जोजफ कॉलेज और मैथ मुझे आता नहीं था तो मैथ में कर नहीं सकी और उस वक्त ऐसे और उसकी ज़रूरत होती थी जी आर रही जी 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 वो ना करो तो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते तो मैं दो साल बहुत आराम से यू सी गई आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा वो वापस आके अन सीख लिया <laughs> और एक्चुअल एक्चुअली वट आई थिंक जो मैंने लर्न किया है वो ऑन सेट पाकिस्तान में ही है जब मैं वापस आई अ वेरी गुड थिंग टू से आप कुछ आइडियाज़ लेकर आते हैं और फिर जब आप पाकिस्तान में चीज़ें होते हुए देखते हैं को तो साइड में रखो ना यहाँ पे अलग ही चीजें होती हैं बट यू नेवर रियली लूज आउट ऑन व्हाट यूज बिल्कुल क्योंकि आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चर और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक थियोरी एक किस तरह आप अप्रोच करते हैं कहानियों को डायरेक्शन को वो तो आपके अंदर इम्बेड हो जाती है सम में फिर जो आपकी इन्वायरमेंट है उसमें आप किस तरह अडेप्ट करते हो ऑबियसलीडी डायरेक्टिंग बिफोर डूइंग दिस डिप्लोमा वहाँ डिग्री ने आपको क्या दिया जो यहाँ नहीं मिल रहा था तो मैं जब गई मैंने डायरेक्शन एक्चुअली इतनी नहीं की थी मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो मेरे पेरेंट्स की थी वहाँ से थोड़ा बहुत शुरू किया उस वक्त एड्स मुझे इतने इंटरेस्ट नहीं कर रहे थे मुझे कहानी बतानी थी तो मैं गई तो मुझे आइडिया था कि कैमरा क्या होता है ये तो पता था बिकॉज स्कूल में मैं इतने बड़े बड़े वो पी एच लेके जाती थी और अपने दोस्तों को टॉर्चर करती थी म्यूज़िक वीडियोज़ बनाती थी तो वो सारा आइडिया था बट जो एक्चुअल था वहाँ जाके बहुत कुछ सीखा है इन टर्म्स ऑफ किस तरह की फिल्में देखनी है फिल्म को एनालाइज किस तरह करना है एंड नॉट जस्ट दैट मैंने फिर दूसरी क्लासेस भी ली मैंने एंथ्रोपोलॉजी भी ले ली nice. मैंने वमेन एंड रिलीजन भी ले ली जो यहाँ कॉलेज में नहीं मिल रहा था वो एक तरह का हम उस पर चलते हैं ना ह्यूमैनिटीज़ या साइंस तो वहाँ uh, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ और भी साथ में कर लूँ फिल्म के साथ साथ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निकल तो एक चीज़ होती है बट उसको समझना या काम कैसे करना है आपको दुनिया भी आनी चाहिए चीजें भी आनी चाहिए सो आई मीन द थिंग्स दैट यू टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी या विमेन रिलीजन रीडिंग दीस थिंग्स एंड नोइंग मोर अबाउट दिस जस्ट एजुकेट्स योर वर्क एंड आई थिंक हम यहाँ पे उस चीज को इतनी अहमियत नहीं देते नहीं no, बिकॉज़ आप कहानी तो एक इंसान के बारे में दुनिया के बारे में बता रहे हो और जितना आपको नॉलेज हो बेहतर ही है और नॉलेज सिर्फ आपको व्हाट्सएप के फॉरवर्ड वीडियो से नहीं मिलता में <laughs> हर तरह की <laughs> एक <आ जाती> है <laughs> तो, तो फर्क पड़ता है पढ़ने से मैंने बहुत खत्म दी है, है। फॉर्मर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं अब्बा को एक्चुअली इतना नहीं पता व्हाट्सएप का अम्मा ज्यादा <laughs> ये व्हाट्सएप ने जो है ना आई थिंक अंकल द आंटीज को हमारे मुल्क में बहुत बिगाड़ा हुआ है बिकॉज़ दे दे एटलीस्ट इंटरनेट पे आप एक सेकंड दूसरा टैब खोल के सर्च कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आप मान लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग दज्जाल से मिला था चांद <laughs> नहीं नहीं नील आर्मस्ट्रांग चांद गया ही नहीं था

इंडिया से, से अच्छा इंडिया से फिर अच्छा काम कर रही इंडिया से तलुकत फिर ख़राब हो गए थे और वो इंडियन राइटर थी तो वो बैन हो गई उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तानी राइटर ली हतीजा मस्तूर साहिबा उनकी शॉर्ट स्टोरी थी तो खालदा रियासत साहब के साथ साहिबा के साथ किया एंड एंडस हाउ स्टार्ट टेलीफिल उस ज़माने में टेली टेलीफिल्म होती थी अब तो बता बिल्कुल ही मर चुकी हैं सिवाए ईद पे आती हैं कभी कभी वो भी एन एज टेलीफिल्म मोर ऑफन द नॉट तो टी का ही बहुत अच्छा ट्रेडिशन था पी टी का और उस बारे में लॉन्ग प्लेस कहते थे उन्हें और बस आई थिंक पाँच पहले पाँच छः साल मैंने सिर्फ लॉन्ग प्लेस बनाए तो वो ट्रेनिंग अच्छी हो गई कि डेढ़ घंटा मिनट्स में कहा थिंक सानिया सईद और नादिया जमील के साथ भी हाँ, एक ही थी घर ना और वो एक ही घर में शूट हुआ आपके आने से पहले मैं और समीर बैठे हुए थे और मैं डिस्कस कर रहा था कि वो यूजीनो नील का प्ले लॉन्ग जर्नी नाइट बहुत पसंद है एंड मैं कुछ सालों से हम लाइक अच्छा इसको पुटअप करते हैं बट हमले कौन देखने आएगा तीन घंटे का प्ले है देन हमलाइक अगर मैं इसको एज अ शॉर्ट फिल्म भी शूट कर लूँ कौन देखेगा ऑडियंस ही नहीं है सो मे बी पी टी वी हैड दैट ऑडियंस विच डी ऑडियंस को हम अंडट भी करते हैं ऑब्वियसली अगर आप कहानी एक उस तरह बताएँगे कि वो इंगेजिंग हो और लोगों का इंटरेस्ट सस्टेन करे तो वो क्यों नहीं देखेंगे मतलब नॉट के सौ लोग देखेंगे मे बी पचास लोग देख लेंगे मे बी बीस लोग देख लेंगे नॉट एवरी वन लाइक्स एवरी थिंग एंड ये तो पूरी दुनिया में ऐसा है कि हर चीज़ सब इंसान के लिए नहीं बनती जो आपको पसंद है मुझे शायद ना पसंद हो तो उसका आई फील आजकल जो जो तो कहते हैं ना कि बस रेटिंग्स हैं तो उसी तरह के कहानियाँ बनाते रहो तो वो मुझे ज़रा अख्तिलाफ है उससे कि ठीक है वो नौ उस तरह बना लो लेकिन एक कुछ और बना लो एक ही कमरे में लोग तो देख लेंगे लेकिन चैनल्स की एक कैप्टिव ऑडियंस है इसलिए वो देखना मेरा वो, वो फेवरेट हैं। है कि जितना आप जंक फूड लोगों को खिलाएंगे उतने मोटे होंगे और अनहेल्दी होंगे राइट तो लोगों को आप ऑप्शन कम दे रहे हैं हमारी ऑडियंस को तो आप देना शुरू करेंगे तो लोग शायद आपको सरप्राइज कर लें और आपको यू नो आ, फिर मसला ये कि अगर वो चीज़ हिट हो जाए तो फिर सारे प्रोड्यूसर्स हैं फिर उसी डगर पर निकल जाते हैं जैसे हम सफ़र हट हुआ था तो फिर कोई पचास हजार ड्रामे हम सफर की तरह बनने लगे तो ये मोर देन जस्ट अ मतलब ये सच बात है कि एक रिग्रेशन हुई है क्योंकि एक तो नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी है पीटीवी के गोल्डन डेज अगर जो भी उस टाइम काम कर रहा था बात करना शुरू करे दे जस्ट मेक इट साउंड लाइक यूटोपिया था पता नहीं क्या था क्या था मतलब अशफाक अहमद आते थे और हम कदमों में बैठ जाते थे और बस पता नहीं इस तरह था कि दीवानगी दीवानगी देखा आपने ओम शांति ओम में एक गाना है जिसमें सारे सेलिब्रिटीज आते हैं लोग पीटीवी को उस तरह डिस्क्राइब करते हैं आप नहीं आ, नहीं 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 और आ रहे हो सामने से ये आ रहा है और वो आ रहा है एंड यू आर जस्ट ऑस्ट्रक्ड बाय देर बातें और सब सेम ही एनेक्डोट सुनाते हैं तो मुझे पता भी नहीं हुआ किसके साथ था उन्होंने एक बकरी का शॉट दिखाया और कहा बकरी के एक्सप्रेशन बेहतर थे बट वाकई सच है think, uh, है कि कि पहले बहुत बेहतर होते थे आई थिंक एक एक डबल चीज़ इसका एक सिंपल आंसर नहीं है और ये कहना भी एक आई uh, थिंक बहुत सिंपलिस्टिक बात होगी गई कहें कि पुराने जमाने बहुत अच्छे थे अब सब बकवास है ऐसा नहीं है बिकॉज आज कल मैं अच्छी बातों से शुरू कर पॉजिटिव चीज़ जो है कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं अब हर uh, बैकग्राउंड से आ रहे हैं येस नपटिजम है लोग फेवरेटिज्म भी करते हैं बट बहुत मिडिल क्लास बॉयज गर्ल्स फील्ड में आ रहे हैं जो पहले नहीं था ऐसे एक तो ये अच्छी बात है दूसरा आई थिंक बहुत एक अवेयर यंगस्टर्स हैं जो आ, दुनिया जहाँ की चीज़ें देखते हैं यू नो सोशल मीडिया है ऑल ऑफ दैट सो वेरी अवेयर ये भी अच्छी बात है आ, तीसरा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं लोगों के पास अगेन यस प्लेटफॉर्म्स नहीं है बट लोगों के पास छोटे छोटे कैमरे जो आपके पास हैं आप कुछ भी लेके कुछ भी अभी आपने अगर फुर्सत देखी हो विशाल भारद्वाज की जो फोन पे बनाई हुई है सो so, अगर आप कहानी बनाना चाहें तो आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं so, सो ये अच्छी बात है अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ के एक मनोपली हो गई है ऑब्वियसली चैनल्स की जो कहते हैं कि बस ये चल रहा है तो इसमें अगर टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स हैं और नंद और सास और बहू और इस तरह के हैं जो पूरी पब्लिक देख रही है और पैसे आ रहे हैं और एडवर्टाइजर्स कर रहे हैं तो बस यही बनाते जाओ और कुछ ना करो उनका भी पॉइंट है उन्होंने पैसे कमाने सिंपल कोई चैरिटी के लिए नहीं आया हुआ यहाँ बट कुछ लोग हैं विद विजन आई फील कुछ कर भी रहे हैं रिसेंटली आई थिंक ऐसे हैं दो तीन प्रोजेक्ट्स जो आए भी हैं जो ज़रा से हटके हैं सो थैंक गॉड इस तरह हो रहा है जो मैं mm. भी अभी कर रही हूँ चलो चार एपिसोड का लोग ट्राई तो कर रहे हैं चैनल्स mm. ये अच्छी बात है ऑब्वियसली रिग्रेशन reg मैंने शुरू किया था नाइन्टीज़ में एंड uh, मेरा जो एक्सपीरियंस था डेफिनेटली वो ये था कि काइंड ऑफ स्टोरीज़ बहुत बहुत मुख्तलफ़ और बहुत ज़्यादा थी जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली कि वो ऊपर सर पे कोई बैठा नहीं था कि ये तो कोई देखेगा नहीं या इसमें आप ये डाल दें तो मेरे पास वो बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज uh, था कि मैं एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर्स से स्टोरीज कुछ भी कर सकती थी एंड वो हो जाता था मतलब दैट्स बिकॉज करंटली उस ज़माने में इसी तरह की कहानियाँ चल भी रही थी तो एंड पे जो हम देखते हैं वो तो फाइनल प्रोडक्ट खाने का आपने बोला वो एंड का मेकडोनल्ड बना हुआ है बट एट एंड ऑफ द इज द राइटिंग क्वालिटी इतनी थी बहुत बुरी है writing quality, unfortunately. सुन रहे हैं ना खलील भाई कमेंट <laughs> बट <laughs> no uh, आपने तो किया भाई <laughs> हाँ, मैंने किया इनका uh, writing quality का चक्कर यह है कि वो भी राइटर्स क्या करें बिकॉज देर आर कॉन्टेंट हेड्स एंड चैनल्स जो कहते हैं इस तरह का करो और जो 25 30 एपिसोड 40 एपिसोड की कहानियाँ हैं समटाइम्स वो इतनी लंबी कहानियाँ नहीं होती हैं उनको ड्रैग किया जाता है प्लॉट का इतना ख़्याल नहीं रखा जाता बट पीपल आर वॉचिंग तो अब लोग देख रहे हैं तो फिर चैनल्स बना रहे हैं तो एक अजीब सी कुछ जब भी आप आर्ग्यू करने जाएँ तो बस यही मिलता है बट आप रेटिंग्स तो देखें ना तो फिर आप चुप ही रह के बैठ जाते हैं बट इज़ इन द रेटिंग सिस्टम ऑल्सो फ्लॉर्ड कि वो एक स्पेसिफ़िक बिल्डिंग्स और स्पेसिफ़िक एरिया से जो नंबर्स आ रहे हैं एंड सब एड रेवेन्यू और सब इन पर बेस है।, है और कोई ये नहीं क्वेश्चन करता भाई मतलब अगर ये अर्बन सेंटर में इतने लिमिटेड लोग ये देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को ये पसंद है इवन तो उनके यूट्यूब पे भी बहुत नंबर यूट्यूब पर भी एक्जैक्टली exactly, यूट्यूब पे है और बट यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डाएसपरा भी है बाहर के जो पाकिस्तानीज़ हैं इंडियंस बहुत हैं तो एक मिक्सड है बट डेफिनेटली ड्रामाज बहुत ज़्यादा अब देखे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पहले ऑफिसी पी टी वी एन टी एम पे वो जो रीच थी वो लिमिटेड थी हमारी मेरे जो पुराने प्लेज हैं बहुत से लोगों ने नहीं देखे हुए मैंने खुद अपलोड किए हुए जो जाएगा देखने वो देख लेगा अदरवाइज किसी को नहीं पता काफ़ी लोग पूछ रहे थे स्पेशली वाज़ वाज़ इट न्यूयॉर्क स्टोरीज काफ़ी लोग वो थे, थे, वो कहां तो, मेरे को चार पाँच हैं जो अपलोड हुए भी नहीं वो हमको कहना है हम हम टीवी के हैं ये सारे इन टू थाउजेंड में किए थे आ, और ज़िंदगी बदलती है पहचान बसर वो सारे नहीं है इज इट ऑल्सो बिकॉज के जो भी हमारे क्लासिकल राइटर्स है वो तो आप लोगों ने सब पी डी कर दिए तो बचा <laughs> <laughs> बचा ही नहीं है यह अब राइटर्स का है अच्छे बट ज़्यादातर आई वुड से मेजोरिटी एक डगर पे निकले हुए हैं कि एक ही तरह की कहानियाँ मैं तो ऑनेस्टली नहीं कम ही देखती हूँ सीरियल्स अब नहीं देखा आई एम होपिंग के बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव फिल्म स्टूडेंट्स ये सुन रहे होंगे अगर वो उठाते हैं एक नावल उठाते हैं एक पुरानी शॉर्ट स्टोरी उठाते हैं लेसे इसमत की उठाते हैं उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है तो सबसे पहले तो उनको राइट्स देखने होंगे बिकॉज पहले ज़माने में हम बहुत आराम से राइट्स को डिसरिगार्ड करते थे बिकॉज उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था मेरे कुछ प्लेज हैं अगेन 90s के जहाँ मैंने आराम से बगैर किसी गिल्ट के गाना लगाया हुआ है अब वो यूट्यूब पे अगर अपलोड है तो mm. वो गाना ऑब्वियसली साइलेंट हो जाता है सो नंबर वन थिंग इज़ टू फ़िगर आउट कि राइट्स कहाँ से अगर इसमत चुकताई की है या किसी की भी है उनके आप फैमिली मेम्बर्स या पब्लिशर्स उनको ट्रेस करो बिकॉज इवेंचुअली आप पकड़े जाओगे तो चोरी करना कोई फ़ायदा नहीं राइट्स लो उसके बाद आई थिंक बहुत सही बात की है कि हमारे यहाँ अडेप्टेशन बहुत कम हो रही हैं बुक्स की uh, और ये इंडिया कर रहा है अमेरिका यूरोप एवरी पीपल आर अडेप्ट नावल्स नॉट जस्ट उनके मुल्क के बट हर तरह के स्टोरीज ये तो हमें करना चाहिए बिकॉज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा मटीरियल है पुराना एंड मॉडर्न ऑल्सो तो उसका प्रोसेस ये होगा राइट्स नंबर वन जब आपको पता चल जाता है कि किसके पास है आप एक चीज़ होती है ऑप्शन करना कि आप दो साल या एक साल के लिए आप कुछ पैसे दे के उस रैटर को कह के मैं मैं ये आपसे दे रहा हूँ और को ना बेचूँ किसी और को ना बेचो फिर आप ट्राई करें कि उसका एक ट्रीटमेंट डिवेलप करें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिफोर स्क्रिप्ट एक ट्रीटमेंट यूजली होना चाहिए एटलीस्ट फाइव टू सिक्स पेजेस जिसमें पूरी कहानी आ, पता हो कि क्या है शुरू से आखिर तक आ, उसके बाद आप इंटरेस्ट देखें लोगों में कौन इंटरेस्टेड है अगर इतना आप आप खुद लिख रहे हो तो आप स्क्रिप्ट लिख लो बहुत अच्छी बात होगी अगर लिखवाना है तो आपको फिर जाहिर है कोई कमिटेड स्क्रीन राइटर चाहिए होगा या थोड़े पैसे चाहिए होंगे उस स्क्रीन राइटर को देने के लिए लेकिन स्क्रिप्ट ऑब्वियसली सबसे बेहतर चीज़ है कि आपके हाथ में स्क्रिप्ट हो वो ईजियर होता है टू पिच एंड सेल बट आई नो के सब राइटर डरेक्टर्स नहीं होते hmm. तो ट्रीटमेंट सबसे आई थिंक इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है बट टेक्निकली स्पीकिंग एक uh, थोड़ा यहाँ पर पाकिस्तान में देखा है कि स्पेशली जब बड़े राइटर्स का जिक्र कर रहे हों hmm. तो uh, बड़े फंस जाते हैं कि यार इट नीड्स टू बी वेरी एक्ूरेट वेयर एज अनलेस यू एस में बेकिट है या यू जी नील कोई इस टेनिस विलियम्स हैं इस लेवल पर अगर राइटर्स नहीं हैं

दुनिया में ले जाओ आई थिंक इट रियली डिपेंड्स अगर आपके पास राइट्स हैं तो डायरेक्शन एंड इमेजिनेशन इज़ देन डायरेक्टर के हाथ में राइटर ने लिख दिया फिर वॉट्स योर प्रोसेस सो इफ़ यू रीडिंग नॉवल और शॉर्ट स्टोरी आप साथ उसके नोट्स ले रही हैं या आप पढ़ने के बाद योर लाइक लेमी जस्ट स्टे विद दिस फॉर अ फ्यू टाइम फ्यू फ्यू

तो प्रोसेस मेरा यही है आई थिंक मोस्टली मैंने राइटर्स uh, के साथ काम किया रेरी गुड राइटर्स ओवर द ईयर्स जो कुछ अपनी कहानियाँ लाते हैं कुछ अगर मेरे जहन में हो तो मैं राइटर्स को अप्रोच करती हूँ देन आई वर्क क्लोजली उनके साथ कि uh, जिसे हम कहते हैं सिनॉपसिस बीट शीट्स कॉन्सटेंट उनसे कम्युनिकेशन, कैरेक्टर्स के बारे में प्लॉट uh, के बारे में सो um, so वो है बट शॉर्ट स्टोरीज मैंने कमी की हैं जो मैं करना चाह रही हूँ अब और प्री प्रोडक्शन में आपकी बीट शीट्स कितनी स्पेसिफिक होती हैं आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते हैं यस सो हमारा फोकस है बहुत ज़्यादा प्री प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड बिकॉज मेरा एक uh, दो, दो दो चीज़ें जो मुझे बहुत इरीटेट करती हैं वो है कि कोई डेट हो सेट पर uh, और कोई दूसरा कोई कह के कि मैं सुबह उठ नहीं सकता मैं बहुत एक फेमस हूँ <laughs> एक <laughs> मेरा एक <laughs> वो है खौफ है अदरवाइज एम वेरी चिल ऐसा कोई सीन नहीं है आवाज़ नहीं उठती मेरी कभी बट अगर आ, कोई मुझे एक्टर कह देना हाय सुबह मैं कैसे आऊँगा या आऊँगी वो भी आठ बजे इट्स नॉट कि मैं तीन बजे बुला रही हूँ तो उससे मुझे बड़ा इच्छिड़ होती है बिकॉज़ आई फील के देखिए हम सब आ, एक जॉब कर रहे हैं राइट hmm. uh, मुझे भी पैसे मिल रहे हैं एक्टर्स को भी मिल रहे हैं तो आप ये तो नहीं ऑफिस में जाके कह सकते ना मैंने नहीं आना इस वक्त एक, 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 एक स्पॉइल सी बात है सो प्री प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप शूट uh, करने से पहले पेपर वर्क हो स्केजल्स ब्रेक डाउन लोकेशन स्काउटिंग वो प्रॉपर होगी तो आपकी जो शूटिंग है वो फिर आराम से हो जाएगी अदरवाइज डिलेज आएंगे और इश्यूज होंगे सो थैंक गॉड अल्लाह का शुक्र है कि इन ऑल दीज इयर्स मेरी कोई अभी फिल्मिंग जो है सिवाय एक दो के uh, कभी डेट से आगे गई है एंड तो, ये इसमें मेरा नहीं हाथ मेरा टीम बहुत अच्छी है बिकॉज एडीज़ लाइन प्रोड्यूसर्स वो 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 करते हैं सारा कुछ तो जब आप ऑन द डे ऑफ द शूट अगर आपको पता है मुझे ये शॉट्स चाहिए इस टाइम में चाहिए ये चाहिए उसमें इम्प्रोवाइजेशन का कितना रूम होता है ऑब्वियसली एक्टर्स वाले उस पर आएंगे एक्टर्स की तो एक अपनी है बट ऑन द डे डू डूलो गो टू अट एंड बी लाइक यार अच्छा ये शार्ट्स हैं बट ये फील आ रही है कि अभी यहाँ से धूप आ रही है और डू नॉट डू दैट नहीं नहीं बिल्कुल होता है आई थिंक इट्स इम्पोटेंट कि आपके पास शॉर्ट लिस्ट हो आ, हमारी जो होती हैं कॉल शीट्स जो ई बनाती है वो उसमें टाइमिंग होती है कि ये जो सीन है इसमें डेट से पांच शॉट्स हैं तो ये साढ़े आठ से दस बजे तक टाइम लगेगा तो हम कम्युनिकेशन में रहते हैं कि ओ गॉड अभी सिर्फ दो लिए और दस बज गए देन यू हैव टू तो थिंक कि इससे हमारे आगे का दिन का क्या होगा सेम थिंग विद कुछ सीन्स uh, हम बड़ा यू नो शॉर्टल घर में करके आते हैं और वहाँ देखते हैं एज़ यू सेड कि सूरज यहाँ से आ रहा है दैट शॉर्ट लिस्ट गोज़ फिर आप उसी वक्त uh, जो इमेजिन करते हो डीओपी के साथ जो कैमरामैन है दैन वो करते हैं आई थिंक इट यू हैव टू बी फ्लैक्सीबल बहुत ज़रूरी है और इसमें एक्टर्स का रोल आई आई हर्ड क्या आप बहुत फ्रीडम देती हैं और लोगों को करने देती mm -hmm. हैं वो इज़ योर कम्युनिकेशन ऑन द ड्यू टू लाइक से अ लॉट और डी लाइक नहीं करो और मैं देखती हूँ सो आई डोंट सी अलॉट मैं ये करती हूँ डेफिनेटली कि एक जितना पहले बहुत रिहर्सल्स होती थी अब एटलीस्ट मैं एक दो रीडिंग्स तो करती हूँ बाज़ जगह अगर कुछ प्रोजेक्ट्स में हो हम लोग दो तीन चार दिन कर लेते हैं बट लो, लोग लोगों के स्केड्यूल्स ऐसे हैं कि hmm. पॉसिबल नहीं होता अनफॉर्चुनेटली बट एक दफ़ा हम कैरेक्टर डिस्कस कर लें स्टोरी कर लें एंड हम लोग सब एक पेज पे हों आई फील अ डायरेक्टर शुड नेवर टेल दी एक्टर कि किस तरह एक्ट करो या ये लाइन इस तरह बोलो वो सबसे बुरी डायरेक्शन होती है बिकॉज आपको एक्टर को ट्रस्ट करना होता है एक्टर एक बहुत एक आ, हसास किस्म का इनसिक्योर एक नमूना है

जी तो बताएं <laughs> नहीं बस अब तो मैं आ, उनसे बस कैरेक्टर डिस्कस करके एंड आई लेट देम डू एंड मुझे अगर कुछ ऑफ लग रहा है तो मैं डिस्कस करती हूँ कि मे बी इस सीन में ये मूड नहीं होना चाहिए मे hmm. बी इस तरह ट्राई कर लो सो इट्स वेरी ओपन सो सिंस मैं थिएटर के बैकग्राउंड से आता हूँ मुझे थोड़ा फिल्म मेकिंग ड्रामा मेकिंग थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज लिटरली आई टॉक टू ड्रामा एक्टर्स हियर एंड दट लाइक हाँ वो सुबह इसकी शूट करनी है शाम में उस ड्रामे की शूट करनी है And I'm like, like, Farak <laughs> Actually, TV काफी अर्सा you know, हो गया hmm. बट uh, मुझे जो लोग बताते हैं, जो सेट से आते हैं, वो कहते हैं कि बाजफ़ा hmm. दूसरा एक्टर भी सामने नहीं होता hmm. वो पोलियो से या ए डी उनको लाइन दे रहा होता है मुझे तो पता नहीं कुछ एक <laughs> वो होती है लाइक हाउ कैन यू एक्ट आप कैसे तो अगर आप दीवार से बातें कर रहे हो बट यही हो रहा है बिकॉज आई थिंक हमारे सीरियल्स मोस्टली वही होता है मास्टर शॉट लेके क्लोजअप क्लोजअप ज़्यादा उनमें बिजनेस नहीं होती वो खड़े खड़े सब लाइन्स बोलते हैं या वो शॉल्स ऐसे बांध के चल रहे होते हैं पता नहीं मतलब एक्टिंग ऑन टी इतनी बुरी हो गई आई फील हालाँकि एक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं अच्छे एक्टर्स हैं बट उनको वो चांस चाहिए कि वो ऐसी कुछ कर सकें बेचारे अमरी सर अभी हम ये नई एपिसोड शूट करना शुरू कर रहे हैं हम लाइक कब दे लाइक मंडे को हम लाइक ये एयर कब होगी डे से फ्राइडे को

हम थोड़े आर्टिस्ट एंगल से आकर इस चीज़ को बुरा भला कह रहे हैं बट आई सेइंग आई यूर सेंगे परस्पेक्टिव चल रहा है उनके परस्पेक्टिव से बुरा क्या ऐड के पैसे आ रहे हैं शोज चल रहे हैं आ, इंडस्ट्री भी प्रटेंड कर रहे हैं कि हमारे पास एक इंडस्ट्री है तो बुरा तो कुछ भी नहीं है लोग देख भी रहे हैं अल्लाह तबक्कल चल रहा है एंड <laughs> uh, थोड़े बहुत कैमराज uh, में इन्वेस्टमेंट हो गया है साउंड बहुत ही बेचारा है लावारिस है साउंड पे कोई फोकस नहीं होता बिकॉज़ हमारे ड्रामे में एक एक सीन पे इतनी म्यूज़िक होती है कि आप वो एक तो ऑडियो फ्लॉज को कवर करने के लिए बिकॉज़ हमारे पास माइक्स और सब कुछ बहुत ही पैदल है तो वो हर सीन में म्यूजिक चल जाता है हालांकि आप पुराने अगर प्लेस देखो नाइन्टीज़ के एट्टीज़ के इवन टू थाउजेंड के यू सी के म्यूज़िक बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ हुई भी है आजकल आप कोई भी प्ले खोल लो टी वी पर वो बोलना कोई शुरू करता है तो टैटू टू टी टू शुरू हो जाता है और वो चलता ही रहता है मेरा ये भरम <laughs> भाई कितना किराया लोगे <laughs> मेरा ये भरम था स्लो मोशन एक्टिंग वो रिएक्शन भी इतनी बिकॉज स्टार प्लस इंस्पायर्ड ना ये हो गया स्टार प्लस तो डटन डटन आई थिंक स्लो मोशन तो तलत साहब जो है हाँ उन्होंने पाकिस्तान में लाइक पॉज हो गई है टीवी, ने ने <laughs> तले तो सैन ने पॉज लिया वो तो साफ तो बहुत अच्छे एक्टर है बहुत ही, बहुत ही आजकल जो यार एक्शन रिएक्शन में कोई पाँच छः सेकंड का फ़र्क आ रहा है कि मैं आपसे बोलूंगी यू विल वेट इन ड्रामाज पहले म्यूजिक आएगी फिर आप कुछ बोलोगे आई मैम आई गेस मैं, मैं ज़्यादा देख नहीं रहा बट समाइम्स वो जो अभी कम आपने देखी फिल्म yeah, ah, yeah. ah, ah, मैंने कमली देखी, और ने एडिट किया तो, मूवी किय, mm -hmm. के बाद like, so mm -hmm. इम्पैक्ट yes. yes. होता है चीजों का वो रहने देते हैं वेर एज लॉर्ड ऑफ आपने भी ये बात की थी कि प्लॉट ड्रिवन हमारे यहाँ फिल्में और ड्रामे हो रहे होते हैं द आइडिया इज कि ये मैंने दिखाना है द शॉर्टेस्ट रूट उसको दिखाने के लिए एज अपोज टू

टी में एंड फिल्म में uh, अगर आप ईरानी फिल्म पर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वो वो कहेंगे आर्ट फिल्म हैं बट आप ईरानी फिल्म का साउंड डिज़ाइन सुने कभी ईरानी फिल्म वो आर्ट वर्ट फिल्म तो ये सेपरेशन वगैरह वहाँ मतलब लाइक सिनेमाज में नहीं लगती हैं लगती हैं बिल्कुल बहुत अच्छा करती हैं वाई डू दे हैव सच अ ग्रेट फिल्म कल्चर आई एम एमजूमिंग उनकी भी एक रिग्रेसिव रिजीम है अगर हम यहाँ बोलते हैं भैया फंडामेंटलिज्म बहुत है तो उनकी भी एक रिलीजियस है गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट है फिल्म इंडस्ट्री को बिकॉज आई थिंक द ईरानियन गवर्नमेंट रियलाइज के ये एक अच्छा है येस yes, वो सप्रेस करते हैं वो अपने फिल्म मेकर्स को जेल में डालते हैं दैट्स अ सेपरेट इशू मतलब वो भी कोई ऐसे नहीं है स्टॉलवर्ट बट उन्होंने बहुत इंक्रेज किया है सिनेमा को एंड ऑल्सो ईरान की लिटरेसी लेवल इज़ मच हायर हमारे से तो वहाँ हर तरह की मिलती है, बनती हैं फिल्म जो इरानियन फिल्म हम देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो कमर्शल फिल्म हों वहाँ कमर्शियल ईरानियन फिल्म भी बन रही हैं जो केटर टू अ लार्जर ऑडियंस बट इफ़ दैट्स इफ द थिंग इज गवर्नमेंट पैसे दे रही है आई एम एज्यूमिंग पी के टाइम में तो कम पैसा होगा अब ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसे में ज़्यादा बुरा काम कैसे <laughs> commercial, you know, हो रहा है क्योंकि मैथ कमर्श कमर्शलाइजेशन लोगों के प्रायोरिटीज़ और इंटरेस्ट चेंज हो गए क्विक फिक्सेस कंज्यूमरिज्म मैं जीत लूँ कुछ मैं मोटरसाइकिल जीत लूँ मैं ये कर लूँ मैं शोर बहुत शोर है हर जगह आप टॉक शोज़ देखें लोग एक दूसरे पे चीख रहे होते हैं कुछ सुनता नहीं है आप एक बात कंप्लीट नहीं कर सकते दूसरा बोलने लगता है दैट्स दैट्स द ट्वेंटी सेकेंड सेंचुरी है कौन सी सैचरी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी

इसलिए मैं आ गई आप कमरे में बैठे हुए हो ठीक है और आप लेट्स से आप डिप्रेस्ड हो आप रो रहे हो और आपकी नंद ने आपको थप्पड़ मार दिया लेट्स से ड्रामे में ठीक है यूजली ये होगा कि म्यूजिक बजा देंगे यू नो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे साउंड डिजाइन में ये है कि आप सोचो ठीक है वो कमरे में बैठी है वो कहाँ बैठी है क्या वो गुलशन इकबाल में बैठी है डिफेंस में बैठी है बाहर क्या आवाज़ें आ रही हैं क्या ठेले वाला जा रहा है क्या ठेले वाला उसको मे बी उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा क्या वो जाके खिड़की के बाहर देखेगी आ, क्या पुलिस का सायरन की आवाज़ आती है क्या कोई बच्चे खेलने की ये है साउंड डिज़ाइन क्या आप आवाज़ों से आप एक एटमोसफियर एक सीन को किस तरह और पावरफुल कर सकते हैं बजाय इसके कि जो ईजी वे है वो आप म्यूज़िक लगा दें तो so, इसके भी तो दो कंपोनेंट्स हैं राइट एक पोस्ट प्रोडक्शन साउंड डिजाइन लोग बनाते होंगे हाँ। और एक लाइव so, हम हाँ पाकिस्तान में चार है या जिनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है टीवी में तो कोई करता ही नहीं है टीवी में वो वो माइक होते हैं वो सेफ्टी पिन जो बैटरियाँ खत्म हो जाती हैं गिर जाते हैं बहुत ही बुरे हैं बहुत बुरे हैं जब से मैंने शुरू किया है वो माइक नहीं चेंज हुए कैमराज चेंज हो गए सेफ्टी सेफ्टी पिन पिन वाले लगा कर हाँ, वो कर वो रहे होते हैं। पिन से और फिर बाहर नजर भी आ रही <laughs> तो होती है और फिल्म में तो आई थिंक सारी ही डब होती हैं राइट मोस्टली डब होती हैं आई थिंक कुछ लोग नहीं करते जैसे मैं नहीं करती कभी भी डब uh, कमरी भी डब नहीं थी जॉयलैंड नहीं थी केक नहीं थी तो कुछ लोग नहीं करते मुझे तो डबिंग जहर लगती है हालांकि आपको लिमिट कर देता है बिकॉज नॉइजी है बहुत शोर है अगर आप स्पेशली बाहर जाके फिल्म कर रहे हो ना तो ट्रैफिक और ये बहुत मेहनत ज़्यादा होती है टाइम ज़्यादा लगता है But that that's what shows, right? आपने एक documentary देखी Netflix पे on the making of Lagan. नहीं. So Lagan was one of the first movies in India to Six do sound on J. Hmm. And they were like ये ऐसा nightmare था and everybody involved was like ये हम कैसे करेंगे. Mm. But they pushed them like नहीं ये तो चाहिए. And then whatever the movie did, I think it was what nominated for the Oscars. I think yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. So yeah. sing sound actually बहुत common हो गया है हमारे यहाँ लोग prefer नहीं करते for some reason directors जो हैं.

एंड देन एक सीन जिसमें आपकी शादी भी हुई बच्चा भी हुआ हमारे भी गए वो सब कुछ आप और वो माहौल भी नहीं है जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हो दूसरे एक्टर के साथ और क्या यू नो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल सकती हैं परफॉर्मेंस में उस मौके पे सो डू यू फील लाइक बट टेक्निकल जो ये एक एक क्लीशे है आ, आपकी भी एक आई थिंक किसी मैगजीन के साथ तो उसकी वो हेडलाइन लगा दी थी कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में ये बहुत क्लीशे हम सुनते हैं बट कभी कभी मुझे लगता है कि चलें एक पाकिस्तानियत अपनी साइड पर रखें कि हाँ हम लोगों को अगर अपॉर्चुनिटीज़ उतनी दी जाएँ तो वी विल परफॉर्म इक्वली एज वेल बट ये बहुत क्लीशे बात है टैलेंट बहुत है अपर्चुनिटी एक्चुअली इतना टैलेंट नहीं है फील्ड्स में भी आई मीन इवन इफ यू गो ऑन टेक्निकली अभी मैं एक शो भी शूट कर रहा हूँ लाइटिंग डिज़ाइन के भी लोग नहीं है मतलब एक टेक्निकल जो एक लाइटिंग डिज़ाइन बनाए इवन ऑफ अ लाइव कॉन्सर्ट वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते सो इज इज द टैलेंट देयर देयर आई मीन ऑफ कोर्स इट डिस्पाइट हमारे पास uh, कोई रिसोर्स नहीं है हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे आप सिखाई नहीं रहे mm -hmm. तो लोग खुद सीख सीख के आ रहे हैं कुछ लोग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं तो कंसिडरिंग ये है आप इंडिया से कंपेयर तो कर ही नहीं सकते बिकॉज इंडिया इज़ अ वन बिलियन प्लस पॉपुलेशन एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज तो अमेरिका की तरह है वो तो हमको नहीं करना चाहिए और वहाँ इतने ज़्यादा कॉलेज एंड स्कूल्स हैं टू टीच हमारे यहाँ क्या है मतलब एक नापा है hmm. चारा विच हैज़ डन अमेजिंग वर्क जेबस्ट है इकरा है यू नो कराची यूनिवर्सिटी है एन सी ए है वोट एवर तो आप गिनती के हैं स्कूल राइट जो आपको जो यंग लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सो so उसमें जब लोग निकल रहे हैं तो फिर आप सेट पर ही सीख रहे हैं ना लोग सो टैलेंट आई फील है बट hmm. अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है देर इज़ या आई आई डू बिलीव दैट बिकॉज मैं uh, काम करती हूँ लोगों के साथ एंड आई सी कि उनमें इतना ज़्यादा पोटेंशल है बट वो हानस नहीं हो सक रहा एक्टर्स में भी वो बेचारे चार सीरील करके एक महीने में जब आते हैं तो वो उनके जो रोने होते हैं कि हम वही काम किए जा रहे हैं बट उन उन्होंने भी घर चलाना है ना दैट्स वाई उनको चार सीरील करने हैं वर्किंग पीपल हैं एक्टर्स एक्टर्स को भी इतना बुरा बुरा भला कहते हैं लोग कुछ ये जो कहना नहीं चाहिए बिकॉज ऑल वर्किंग पीपल आई मीन मेरा एक भरे हुए पेट वाला ओपिनियन है बिकॉज मेरा घर बाकी चीज़ों से चलता है आई कैन चूज नॉट टू डू ड्रामा बिकॉज आई फील लाइक एक्टिंग भी एक मसल है मतलब अगर मैं, uh, मैं बोलूँ मैं अपनी नज़र में एक शेफ हूँ hmm. लेकिन मैं काम एक पे करता हूँ मेरी मजबूरी है सो आई एम नॉट गोना समबडी हु डज दैट लेकिन अगर सारा दिन फ्राइज और नगेट्स बना रहे हैं तो आपकी वो <coughs> आपका वो मसल बन जाता है बिल, है बिल्कुल बनता एंड ये है मसला बिकॉज लोग निकल नहीं सक रहे बज दफ़ा कुछ एक्टर्स के साथ होता है प्रॉब्लम कि वो एक सेट का एक एटमोसफियर लेके आते हैं कि उसी तरह का परफॉर्मेंस करना और उनको बताना होता है कि यार ये सबसे पहले मैं कहती हूँ यार सीरियल वाली एक्टिंग छोड़ दो तो आ जाओ रियलिज़म पे एंड रियल लाइफ यू नो यू कैन इंटरप्ट समन फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ सिखाया जाता है ना कि पहले वो ख़त्म कर दे फिर बोला बोले दूसरा कैरेक्टर बट लाइक इन रियल लाइफ एंड वी टॉक मैं बोलूँगी आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हो बीच में जैसे यू जस्ट डिड हूँ राइट सो सिंपल ये तो टेक्निकल चीज़ें मैं बता रही हूँ बट योर राइट के वो बस वो एक माहौल में है एंड पीपल आर डाइंग टू डू एल्स ये है कि वो जो चिड़िया फंसी हुई हैं केज में और निकलना चाह रही हैं ये सब एक्टर्स जो बड़े बड़े Not भी हैं एक्टर्स टेक्नीशियंस आल्सो

तो जब आप मिलके भी बनाते हैं एक फिल्म या प्रोजेक्ट और स्पॉन्सर भी होता है तो आप वही करते हैं क्योंकि वो फिर आपको स्पॉन्सर को पैसे वापस देने होते हैं बट इवन वन इज एन इन्वेस्टर लाइक अ प्रोड्यूसर वो फिर भी उसको वही प्रोडक्ट बना कर देते हैं यू सी दैट्स एक ये एक, एक अलग डिस्कशन है कि सिनेमा क्या चीज़ है और कौन सा सिनेमा यहाँ सक्सीड करेगा और आगे तो बड़ा मुझे डिप्रेशन हो रहा है कि आगे इस साल क्या होना है बिकॉज बहुत कम फिल्में आ रही हैं हाँ, एक इल्यूजन तोड़ देना चाहिए लोगों का रिवाइव हो गया मौला जड़ से एक मौला जड़ से कोई सिनेमा नहीं बनता नहीं अनफॉर्चुनेटली और हमारे यहाँ दूसरे इतने मसाइल हैं कि सिनेमा एंड आर्ट्स अनफॉर्चुनेटली उसको बिल्कुल ही कोई उसको अटेंशन ही कोई नहीं देता होगा तो इस पर कौन जाएगा जब पेट्रोल की प्राइस ही हो गई है विच इज सैड बिकॉज आर्ट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड यू यू नो हैव टू हैव अ वाइब्रेंट कल्चर ऑफ़ दी आर्ट्स ताकि आपकी सोसाइटी यू नो इज़ अ लाइव एंड थ्रॉबिंग इन इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स इन रोटा रोटी कपड़ा जो एक्चुअली बेचारा मेन एक्चुअली सबके इश्यूज़ यही हैं अभी अभी मैं कल एक लाइव कर रहा था तो एक इंडिया से आया था तो इस मेरे बड़े पैसे ज़ाए हो गए मैंने लग क्या हुआ बोलते हैं वो जब हैप्पी न्यू ईयर आई थी शाहरुख खान की तो उस मे भी लाइक डेकेडो और समथिंग इतना कोई लॉन्ग टाइम बैक ओल्ड मूवी नहीं है तो मैं अपने गाँव से गया था देखने सत्तर रुपये की मैंने टिकट ली और वो मेरे ज़ाए हो गया असले like, कितने की टिकट ली इसे सत्तर रुपये की हमारे like, थी हाँ हाँ मल्टीप्लेक्स की टिकट मिलनी थी सत्तर रुपये की उसकी तो इवन अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें डेढ़ सौ रुपये भी नहीं वन थर्टी रुपीज़ अगर उसको एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन तीन सौ कर दो और आपको सिनेमा ओनर्स ये कहेंगे कि हम वैसे सफ़र कर रहे हैं क्योंकि फिल्म नहीं है ऑडियंस नहीं है तो हमें टिकट बढ़ाना है सबके अपने है ना अगर आप again, शायद नाराज हो जाए जब आप इंडियन मूवीज आने देंगे जब लोग रोज सिनेमा जाएंगे एक आदत लग लग जाएगी लोगों को कि यार फ्राइडे को हर फ्राइडे नई मूवी आती है सो ये मेरे एक हैबिट फॉर्मिंग बन गया सिनेमा भी बोलेगा यार हर, हर शो सोल्ड आउट है अगर मैं थोड़ा अगर मेरे सात पे

All of us to in India. और चलना चाहिए and I think बहुत अच्छा जाएगा लेकिन जगह आप ये चाह रहे हैं तो फिर आप वो भी चाहें ना बट वहाँ भी तो इतने है about, uh, जो इनके और वहाँ भी चलने नहीं देंगे फिल्म यहाँ आने से उनको मसला नहीं होगा बिकॉज मनी गोइंग टू देम मतलब हाँ डिपेंड्स आजकल यू नो सब इतने अपने लाइन पे अकड़ गए हैं और इतने ग़ुस्से में सब कि इट्स वो माई वे और द हाई वे जो है ना लाइन कि मैं ही ठीक हूँ दूसरा अर्बत गलत है सो ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं है पूरी दुनिया में इस तरह की एक माइंड सेट है अनफॉर्चुनेट लिकन एक्सपेक्टेड फ्राम सम पीपल बट यहाँ पे तो हमारी जब फिल्म इंडस्ट्री खड़ी होती है साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है कि हम नहीं आने देंगे इंडियन फिल्म में आपने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हर्ट किया डॉक्टर स्ट्रेंज लगा कर जस्ट लाइक like, आप क्या चाह रहे हैं मतलब ये सिनेमा कोई रोटी तो नहीं है ना कि अगर हम सारी और बंद कर देंगे तो, तो <coughs> इन्होंने रोटी खानी खानी है mm -hmm, mm -hmm. अगर आप हाँ डॉक्टर चेंज नहीं लगाएंगे जो डॉक्टर चेंज देखने जा रहा है वो नहीं जाएगा इट्स नॉट लाइक लाइक इज गो एंड बी नहीं तो और क्या हुआ नहीं जा रहे ना लोग अब ना आई मीन ट्राई तो कर रहे हैं ये टू तो गेट सम सब्सिडीज इंसेंटिवस कोई प्रोग्राम फेडरल एड ग्रांट्स के ताकि एक सिस्टम बन जाए ताकि इवन चीपर फिल्म आती रहें इट्स क्वान्टिटी uh, हमें बहुत चाहिए उसमें से यू you नो know, सौ फिल्में बनेंगी तो फिर दो तीन हिट होंगी सो वॉट द प्रोसेस यार आपने जो एक फिल्म बनाई थी जो सेकेंड वाली थी दोबारा फिर से वो ए एंड ए जो है सलमान उन्होंने अप्रोच किया था कि फिल्म बनानी है mm -hmm. तो देन हमने इस कहानी पिच की सो देवर दोल फंड दोबारा फिर से रामचंद वम्यूनिटी फंडिंग Uh, कोई पंद्रह लोग थे जो आप कहते हैं ना गोफंड या किक स्टार्टर वो ज़माने में इस तरह हुआ था कि एंजल इन्वेस्टर हाँ सब ने प्यार मोहब्बत में पैसे दिए मिले नहीं उनको वापस <laughs> क्योंकि उसके एक हफ्ते बाद सिंह इस किंग आ गई <laughs> उसने रामचंद को ऐसा खुदा मारा अभी आप ऐसी बातें कर रही रही है ना उस टाइम तो आप भी बोल होगी बैन बैन करो करो ये <laughs> <laughs> सिंह इस किंग नो नो बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई मीन बन गई वो गई यू नो बहुत फेस्टिवल्स hmm. में गई आई गॉट टू ट्रैवल एंड शो द फिल्म तो ये अच्छा एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए

तो इंडिया में सिर्फ पाँच ही आई थिंक चार पाँच फिल्में रिलीज हुई हैं पाकिस्तान की उनमें से ये रामचंद एक थी uh, ये किसी ने पूछा भी था कि हाउ डिड यू टॉक टू नंदिता दास टू बी इन द मूवी सो नंदिता यहाँ आई थी जो हमने का हाँ कारा फिल्म फेस्टिवल जो हमने को मैं फाउंडर्स थी टू में तो शी वॉज वन ऑफ द फ्यू अगेन थ्री फोर क्योंकि हमारी तो लड़ाई पर है इंडिया पाकिस्तान से लेकिन में बात है, कारा में बहुत आए अजय देवगन आए अनुपम खेर आए विशाल आए काफी लोग आए nice. पहले, पहले, पहले पांच छह साल uh, उस वक्त हालात तो ऑब्वियसली बेहतर थे सो फर्स्ट वन तो दोस्ती दोस्ती की बिलीवर है एंड इन कोलेबोरेशन

उस वक्त हमने एक स्पेशल बनाया था उस वक्त उस ज़माने में एक केकड़ा के होता है केकड़ा इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्म पुराना ट्रक जो जहाँ रोड्स ख़राब हों mm. वो चलता था थर में तो उस केकड़े को कन्वर्ट किया था वैनिटी में जहाँ एक इंडियन टॉयलेट और एक इंग्लिश टॉयलेट था उससे मैं बहुत खुश थी बिकॉज <laughs> आप रेगिस्तान में ये you नो know, तेरा तेरा घंटे फिर कहाँ जाए एंड व्हाट कैमरास वर यूजिंग टू शूट उस वक्त था एच कैम थे उस वक्त टेप्स थे टेप्स आई थिंक लोगों को याद नहीं होंगे इट वाज या एच मैं भूल ही गई एच समथिंग

आई थिंक जॉर्ज जॉर्ज बताते हैं कि वो पाकिस्तान पे इसी वजह से आए थे पहली सफर क्यों टेप्स उनको लेकर आने थे तो फिर यहाँ से उनका जॉर्ज का पाकिस्तान का सिलसिला <laughs> शुरू हुआ कि वो टेप्स लेके आते थे पाकिस्तान हाँ। में अब तो एवरीथिंग फिजिकल खत्म हो गई है आ, to beta, to mini DV, to, CDs, सब कुछ खत्म है अब तो. I mean, it's much easier. हाँ। पहले तो इवन बात कर रहे हैं तो वो भी वो भी भिजवानी बढ़ती थी आपको

डिजिटल में आप अगर आप बुरे एक्टर हो तो आप मुझे पचास टेक दे रहे हो कोई मसला नहीं है कट अगेन लेकिन फिल्म में बहुत महंगा है वो तो अगर आपने तीन टेक से ज़्यादा दे दिए ना तो आपकी खैर नहीं है अच्छा इसलिए एक्टिंग इतनी बुरी हो गई है डिजिटल मार्जिन बहुत दे दिया बट ऑल्सो ऑब्वियसली फिल्म की लुक जो है वो इनक्रेडिबल है इवन दो अलेक्सा और ये सारे जो नए कैमरे आए हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने कर लिया है इमिटेट फिल्म को बट फिल्म इज फिल्म सिक्सटीन एंड थर्टी फाइव मैंने नहीं काम किया मुझे भी एक्चुअली बड़ा इंटमेटिंग होगा मेरे लिए करना क्योंकि मुझे मैंने किया नहीं उस पर आपका कोई है इसमें जिस तरह नोलन की आई मैक्स कैमरा से फैसिनेशन है मुझे यू नो वाइडर लैंडस्केप सब mm -hmm. क्या कहते हैं उसको एन मोफिक क्या तो वो तो है शॉक बट अगैन एवरी स्टोरी डिपेंड्स के अगर वो कहानी डिमांड नहीं करती वो ट्रीटमेंट तो वो नहीं होगी सो आई एम काइन फ्लैक्सीबल डिपेंडिंग ऑन किस प्रोजेक्ट पर मैं काम करी आई मीनियसली एम सी नहीं है जो उधर है लिकिन के mm -hmm. पास mm -hmm. जो है विच इज़ द बिगेस्ट एम सी स्क्रीन उस पर मैंने देखी थी इंटरस्टेलर एंड आई वॉज लाइक ओम oh गॉड या या वहां तो मैं जाती नहीं इंटरस्टेलर या अभी मैं यही हूँ <laughs> अब कहाँ रहती हूँ न्यूयॉर्क में <laughs> मैं ब्रुकलिन में रहती हूँ किधर uh, ब्रुकलिन में फोर्ट ग्रीन आप मेरे मोहल्ले में रहती हैं आई <laughs> I आई to, li to live ऑन सेंट Felix स्ट्रीट अच्छा। Fort ग्रीन पार्क से दो गलियाँ इधर। Park is uh, ten minutes walk.

अक्सर मैं क्या करता था एटलांटिक सेंटर वॉज टू मिनट राइट वॉक करके तो शो अगर कोई आठ बजे हो रहा है ना तो मैं साढ़े सात बजे स्ट हब पे जाता था सिर्फ बच्चे थे रि रिस्क के साथ याद है रिस्क नहीं नहीं पेटशो बॉयज डिड अ थिंग विद ओह वो कुछ और है नहीं अच्छा, नहीं रिस्क वाला कुछ और अच्छा, है पेटशो बॉयज वाज वन ऑफ द ग्रुप्स जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ब्रिटिश ग्रुप है अब वो इन द लेट 70स कौन से गाने हैं उनके बताएं आप गाने सुनने होंगे अपने अरे यार पेटशो बॉयज के वेस्टर्न वेस्टर्न गर्ल्स वेस्टर्न गोल्ड नहीं अपटाउन गर्ल्स ऑन आई नेवर बी जॉयल YouTube पे करना अगर Google uh, <laughs> इस तरह हमें पता चलता है क्यों मेरी इंजबार इतने सालों से बना रही है What are some of your favorite films? Oh God, it's a tough question because इतने इतने देखी है I would say recently, <coughs> very recently, God, <coughs> Barbarian. <coughs> it's a horror film. Uh, it's a comedy horror film. Loved it. Uh, मुझे रीसेंट एक फैसिनेशन हो गया जॉम्बी एंड हॉर फिल्म से कोई पच्चीस like? साल नहीं था लेकिन अब हो गया like I, मुझे अभी परसों ही मेरी एडी बता रही थी नहीं देखा आपने मैं कब आप देखूंगी जब जा वापस जाके मैं रीसेंट हूँ ना कॉन्वर्ट mm -hmm. आपने कॉमेडी तो ज्यादा डायरेक्ट नहीं की कम की है Uh, मेरी लास्ट वेब सीरीज जो थी uh, जी पे एक झूठी लव स्टोरी कॉमेडी सोशल कॉमेडी बट फुल स्लैपस्टिक नहीं किया लॉर्ड ऑफ दम्बी कॉमेडीज द जोक मैनिंग इन बिकॉज ही शोर ऑफ द डैड वो सारी जो सारी mm -hmm. सीरीज हैं आई थिंक अमेरिकन कॉमेडी एंड इसको हम वापस पाकिस्तान भी लाएंगे mm -hmm. आप देखिए एक्सपर्ट आदमी हो सकवे देखिएगा आई थिंक अमेरिकन कॉमेडी का मसला ये है कि वो बहुत डायलॉग ड्रिवन होती है एंड यू सी द जोक राइट विद फ्रेंड्स के अगर आप लाफ्टर ट्रैक हटा दें यू रियलाइज कि ये लाइन शायद इतनी फनी नहीं है

तो वो डायलॉग इतनी अहमियत रखता है दैट दैट ऑफन कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टोरी एंड द सोल आई एब्सोल्युटली एग्री एंड दिस इज अ प्रॉब्लम प्लेगिंग आई थिंक इंडस्ट्री आल्सो कि डायलॉग पे डायलॉग शुड सर्व उसका सोल पर्पस है कि स्टोरी को आगे बढ़ाना और कैरेक्टर्स की मोटिवेशंस इंटेंशंस को दिखाना एंड उनको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर character देना कैरेक्टर्स को मतलब उनकी पर्सनालिटी hmm. को निकालना अदरवाइज जब वो द डायग बिकम्स राइटर का एक यू नो ईगो का वो कि मैं शायरी अब हर डायलॉग इज़ बिकॉज दैट्स नॉट रियल आप और मैं कभी लोग कम ही लोग उसमें पोएटिकली बात करेंगे एक दूसरे से यूजली इट्स वेरी बेसिक राइट एंड डिपेंड्स अगेन आप कौन से कैरेक्टर्स लिख रहे हो इफ़ यू राइटिंग अस्टोरी अबाउट टू फाइव टाइम पी एच डी प्रोफेसर्स तो उनका मे बी फॉर्म ऑफ टॉकिंग ज़रा डिफरेंट होगा सो आई डो अग्री एंड ऑल्सो ह्यूमर ब्रिटिश ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा है uh, क्योंकि वो विट उनकी और उनकी ह्यूमर जो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका का ह्यूमर स्टिल फेस कहते हैं ना जो हमारा भी हो चुका है हालांकि आई मीन हम हम बैक टू फिफ्टी फिफ्टी बिकॉज हमारा एक था शो हमारी हिस्ट्री में

इट्स ऑल्सो लेजी राइट इट्स लाइक अगर आइसक्रीम की दुकान खुद चल रही है तो साथ उसके न्यू हैव मोर दुकान खुल जाएंगी तो बुलबुले मे बी वॉज फनी फॉर एन एपिसोडी फर्स्ट वॉज फनी बट अगर आप दस साल बाद हजारवी एपिसोड में वही जोक फिर से कर रहे mm -hmm, हैं एंड mm ऑल्सो -hmm. you know, uh, किसी के एक्सपेंस पे जो, जो जोक्स होते हैं ना जो पर्सनल पे आ जाते हैं फैट शेमिंग हो गई या किसी के मैनरिज्म पे वो जो आप एक हर्टफुल नेगेटिव पेटी नॉट दैट आप तो दैट्स नॉट टू से बहुत ज़्यादा वोक जिसे कहते हैं ना वोक कल्चर भी हो गया mm -hmm. है कि आप हर चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो लोग कहते हैं आप किसी चीज़ पे मजाक ही नहीं उड़ा सकते ऐसा भी नहीं होना चाहिए आई थिंक बट जब आप पेटी और हेटफुल हो जाए ना अपने मजाक में देन एक चीज़ फनी नहीं होती आई थिंक लोग माइक्रो एनालाइज बहुत ज्यादा करते हैं जिस तरह कुछ मूवीज आई हैं जिसमें द तो गैग इसके बंदा तोतला है तो प्रॉब्लमैटिक बट ऑफ द जोक इज इसके यार ये तोतला है बट mm -hmm. अगर कोई कैरेक्टर आता है और वो मिसोजनस बात करता mm -hmm. है दैट नेसेसरली इज नॉट प्रॉब्लमैटिक बिकॉज मे बी आप दिखाना चाहते हैं कि ये कैरेक्टर मिसोजनस इट वुडंट मेक सेंस ना एक mm -hmm. so कैरेक्टर है जो वायलेंट है जो शायद आगे जाके मर्डर भी कर देता है बट वो आकर फेमिनस right. so हम एक लाइन ड्रामे से बट ऑफ द जोक बनाना जो पूरी मूवी में वो ही है दिल्कुल. और शायद आप एंड में एक रिडीमिंग आग देते हम तो तेरा मजाक उड़ाते थे, थे पर मुश्किल में तू ने ही साथ दिया तोतले <laughs> और लोग बोले वायर हमने तो पॉजिटिव दिखाया इसको <laughs> हमने तो ये दिखाया कि ये भी एक इंसान है बहुत ही स्टूपड है एब्सोल्युटली हमारे अभी नॉट ये ह्यूमर का इससे ताल्लुक नहीं है बट कुछ हमारे जो टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स दिखाते हैं हम ड्रामों में फिर वो कहते हैं ना एंड में वो ठीक हो जाता है तो आप तीस एपिसोड उसकी टॉक्सिसिटी और वो बर्दाश्त करोगे कि तुम वहाँ से वहाँ थपड़े मार रहे हैं और एंड में जाके ठीक हो जाता है मेरा एक बहुत बड़ा पेट पीव है जो भी जॉयलैंड के टाइम लोग पागल ही हो गए थे जिसमें फिर मैंने लोगों को बोला भाई फिल्म के एजेंडाज नहीं होते मैसेजेस नहीं होते फिल्म लोग इसलिए नहीं लिखते के एंड में ये प्रिस्क्रिप्शन घर लेकर जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली इट जस्ट फील्स लाइक के बॉट आई शुड है नहीं होते पाकिस्तान में अक्सर लगता है कि एक एजेंडा हो रहा है कि दैट आइडिया के मारता है तो तुमसे प्यार करता है अगर वो हर ड्रामे में वही दिखा रहे हैं जिस तरह तीन सात सात ड्रामे आए जिसमें एक औरत सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में झूठ बोलती है क्या औरतें झूठ बोलती होंगी सेक्सुअल बिल्कुल बोलती होंगी लेकिन अगर सौ केसेज हैं उसमें निन्यानवे सच बोल रही है और एक झूठ बोल रही है तो उसी पे तीन ड्रामे के लेकिन टीवी पे तीन ड्रामे आए कि मर्द पे झूठे इल्जाम लगे और एक भी ड्रामा नहीं आया सो देन यूर जस्ट लाइक नहीं कुछ तो आप एक किसी एजेंडा के तहत कर रहे हैं ये काम बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा इस पर मैं क्या ऐड करूँ आप, आप भी बोले ना ताकि हम आपका क्लिप करके डालें उस ड्रामे के साथ ताके फिर एक हेडलाइन बने महरीन जबार सेज अहमद अली बट इज़ इट लोबा आई दैट्स वन थिंग थैंक गॉड आई डोंट इंडल्ज करेंगे नहीं करेंगे समीर समीर समझ गए ना उनकी की और मेरी आवाज पीछे से हाउ डू वी कॉम्बैट दैट आई मीन इट्स सिंपलिस्टिक टू से बेटर राइटिंग आई थिंक इट इट्स नॉट सिम्पलिस्टिक इट्स एक्चुअली दी ओनली वे बिकॉज वॉट इज डेड इज कैरेक्टराइजेशन वॉट वॉट मेक्स अ स्टोरी आपकी कहानी देखें कहानियाँ तो वही हैं ना आ, बंदे से बंदी को प्यार हुआ लेकिन उनके फैमिलीज नहीं माने लेट hmm. uh, से पूरी सदियों से ये लट से ये कहानी चल रही है बट उसमें क्या डिफरेंस होगा उसमें कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे उसमें कॉन्टेक्स कहाँ उसको सेट किया हुआ है किस टाइम पीरियड में किस फैमिली में और उस पर काम नहीं हो रहा कि वो सब एक ही जैसे लग रहे हैं कि चलो वो फ्यूडल फैमिली में पैदा हुआ है तो वो एवं वो अकड़ है उसकी फर सम रीज़न कि माँ से क्लोज नहीं था दैट्स द हद बट किसी कैरेक्टर को आप उसकी पर्सनालिटी आप ड्रामों में नहीं देखोगे डेवलप होते हुए वो क्या म्यूज़िक सुनता है वो क्या किताबें पढ़ता है वो क्यों इस तरह के कपड़े पहन रहा है उसके क्या हॉबीज़ हैं मैनरिज़म्स जनरली वेल राउंडेड कैरेक्टर्स लिखना ख़त्म हो गए बहुत ही ब्लैक एंड वाइट स्टेरियो टाइप कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं दैट्स द प्रॉब्लम इज इट ऑल्सो के अगर कोई लिखे भी तो एक्ट आउट उस तरह से नहीं होते क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स फिर कंप्लेन करते हैं नहीं हमने तो ये सब सोचा हुआ था लेकिन वो जब तक टीवी पे आता है एंड आई आल्सो सीन फिल्म राइटर्स हु वॉच देयर ओन मूवी एंड मैसेज में आफ्टर सेट कि ये मैंने लिखी थी मुझे भी फिल्म देखने के बाद हम लाइक मैंने कब लिखी है <laughs> नहीं वो तो ऑब्वियसली एज आई सेड देखो जब एक दफ़ा राइटर लिख दे तो फिर वो फिल्म फिर आप डायरेक्टर की बन जाती है वो किस तरह इंटरप्रेट करे उसको बट इट्स अ कोलाबरेटिव एफर्ट यार ये जो है स्टोरी टेलिंग ये सिर्फ राइटर डायरेक्टर एक्टर का, का काम नहीं है ये सब इन्वॉल्व है इसमें इंक्लूडिंग के डी आपका कैमरामैन किस तरह के फ्रेम्स बनाएगा क्या होगा सो so, ये, ये एक इट्स हैज़ टू बी अ ग्रुप एफर्ट आई फील बिकॉज योर राइटर ने लिख दिया लेकिन अगर वो एक्टर को समझ ही नहीं आई और कन्वे नहीं कर सका नो और उसकी सटल्टीज hmm. तो फायदा ही नहीं कोई सो हाउ डू डू दैट लाइक आईर आपके साथ ये एक्सपीरियंस होंगे यार आप किसी को लाइन देते हैं वो सीरियल करते हैं डायरेक्शन like, nah, nah, nah. <laughs> no, um, I mean, पे कि क्या उस वक्त हो रहा होता है कि मे बी यू नो इस वक्त तुम लेट से तुम्हें शायद इतना गुस्सा ना आया वाह क्योंकि ये ये हुआ हुआ है पहले कॉन्टेक्ट बना ब, ब, बताना होता है ये मैं नहीं कहती कि इसको तुम यू you नो know, कभी कहना पड़ता है आपस की बात है कि ग्लेयर एक आंसू ले आओ दो ले आओ बहुत ही बुरा डायरेक्शन है ऐसा कहना बट अगर टाइम ना हो तो ये कहना हो तो कह देते हैं बट यूजली अगर आप एक सिचुएशन एक्सप्लेन करो ना सीन की कि इस सीन में क्यों तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो बिकॉज पहले क्या हुआ हुआ है और इसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे तुम्हारे सो होपलीफ मतलब मेरा यही मसला है कि टी वी पर नॉट के लोगों को गुस्सा नहीं आता उसकी कभी जस्टिफिकेशन नहीं होती मतलब अगर फिर रोज़ खान ड्राइव कर रहे हैं दोनों बात कर रहे हैं एंड देन अगले सीन में वो बहुत सर मार रहे अपना हॉर्न लाइक आई डोंट सी दस्टिफिकेशन एंडक्टर्स एग्जिस

नापा ज़्यादातर नापा और आर्ट्स काउंसिल से आए हुए लोग हैं जिनको पता है सो एंड यू नो दैट जो मैंटालिटी दूसरा जो जो है अनफॉर्चुनेटली कि अगर मेन ना हो तो मैं नहीं करूँगा या करूँगी इज वेरी सैड बिकॉज एक्टिंग इज एक्टिंग चाहे आप दो लाइनों के लिए भी आ रहे हो तो उसको आप करोगे तो आप नोटिस होंगे अगर आप पूरा सीरियल कर लो और आप बुरे हो तो फिर कोई नहीं नोटिस करेगा आपने देखी जॉयलैंड देखी हाँ डी सो गुड इन ब्रिलियंट एक्टिंग और ऑन एक्टिंग है मतलब एक फैमिली की कहानी है एंड सब एक एक बंदा उसमें जमा हुआ है एंड उसमें वही है कि शायद कुछ ऑडियंस मेम्बर्स को ये बॉडर कर रहा है कि क्यों किया इसने ये बिकॉज बिकॉज वेर यूज टू बीइंग स्पून ना यस तुम्हें मैं छोड़ के जा रही हूँ mm -hmm. क्योंकि जिस दिन मैं आई थी तुमने <laughs> मेरे बाप से वादा किया था कि कभी दिल नहीं दुखाओगे मेरा <laughs> फिर तुमने रोज दिल दुखाया <laughs> ये वादा तोड़ने की वजह से मैं इस दरवाजे से बाहर जा रही हूँ so, और, और देखो मैं नहीं अपना नहीं। सूटकेस भी पैक कर रही हूं। <laughs> और अपने साथ ले जा रही हूँ अनफॉर्चुनेट रेडियो का जो कर्स है रेडियो प्लेस बहुत अच्छे होते थे हमारे एक जमाने में सी एक्सपोजिशन से आ रही है वहां से आई है क्योंकि वो राइटर्स भी रेडियो से ही निकले थे ओरिजिनली इवन दो राइटिंग बहुत अच्छी थी सेवन एटीजीज में तो अब तो वो लोग राइटर्स वहाँ से नहीं आ रहे मे बी जस्ट से आ मेरे हाँ यूज्ड टू वाचिंग बैड ड्रामाज तो देर लाइक हाँ एक्सपोजिशन तो असेंशल होती है कहते so, हैं ना सेल्फ पर्पेचुएटिंग वो जो हो रहा है वो चल रहा है तो वही करते रहो उनको मुझे लगता है डर भी बहुत है कि अगर मैं नाइनटीन बोल रहा हूँ तो कोई ट्वेंटी ना समझे इवन दो वट आर्टिस्ट शुड डू इज लाइक मैंने बना दी अब ये दुनिया के बिलोंग करती है देखो तो तुम जो समझना है समझ लो बिल्कुल पर दूसरी बात ये कि यहाँ एक स्कूल नहीं है जो राइटिंग टीच करता है तो सब ऐसे ही आ रहे हैं सब मतलब तो क्राफ्ट होता है इट्स नॉट इजी राइटिंग इज़ इज़ टफ़ और उसका एक है एक ठीक है आप आ, बुक्स बहुत अवेलेबल हैं मे um, बी आप टोटली तो, फॉलो ना करो बट आपको कुछ तो समझ होनी चाहिए ना एक्ट्स एंड प्लॉट पॉइंट्स क्या हैं और सेव द कैट पढ़ लें सेव द कैट है सिट फील का है बहुत सारे हैं किताबें तो अगर जो लोग सुन रहे हैं सैयद जैन रजैन जो सुनते रहते हैं उन्होंने भी आर टी के लिए ड्रामा भी लिखा है क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे राइटर्स को यार? Read more. Read more. Uh, so online, कि यार जस्ट रीड मोर रीड मोर एंड रीड स्क्रीन राइटिंग बुक्स टेक क्लासेस दैर सो मेनी क्लासेस ऑनलाइन जो फ्री क्लासेस हैं आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा आप लेज़ी वे आउट ना लो के जो चल रहा है आप पढ़ोगे पढ़ोगे देन इवेंचुअली जब आप लिखने को बैठोगे मे बी आप वो रूल्स ना फॉलो करो बट mm. आपके जहन में जो हमारी बात हुई थी जो सी एल ए जो भी पढ़ा था वो एक सेकेंड में भूल भुला के ख़त्म हो गया बट समथिंग स्टेड समथिंग डेफिनेटली स्टेड एंड स्पेशली स्क्रीन राइटिंग में बिकॉज कुछ लोग स्क्रिप्ट मुझे भेजते हैं अनफॉर्चुनेटी मैं सब नहीं पढ़ सकती बट आई नो फर्स्ट पेज पर पता चल जाता है बाहर भी अगर आप स्टूडियोज uh, में जाओ वहाँ स्क्रिप्ट रीडर्स होते हैं सारे प्रोड्यूसर्स थोड़ी पढ़ते हैं स्क्रिप्ट सारे अनलेस के उनका एक ऐसा कोई कनेक्शन हो और स्क्रिप्ट रीडर्स आई थिंक रीड द फर्स्ट फाइव या टेन पेजेस मैक्स अगर उनको ग्रिप नहीं किया वो नहीं पढ़ेंगे और वो हुक नहीं आया वो पता चल जाता है राइटिंग अच्छी है बुरी है सो so ये अगर इट हैज़ टू बी टॉट कि आप वही था कि क्या प्रोसेस है लॉग uh, लाइन क्या होता है सिनॉपसिस क्या होता है ट्रीटमेंट क्या होता है बीट शीट क्या होती है एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है एंड ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी नहीं गए बिकॉज हर चीज़ ऑनलाइन है सिर्फ तलाश करने की बात है आप दोनों साइड आई एम श्योर होंगी ऑफ दिस डिबेट यू लाइक बिट फ्रस्ट्रेटेड एट द होल आइडिया ऑफ द लॉग लाइन मतलब मुझे पता है कितनी ज़रूरी है आई हेट लॉग ना मतलब <laughs> मतलब यार यार क्या मतलब? बहुत बुरी लगती है कि हाँ। एक दो लाइनों में पूरी कहानी बता दो और एलिवेटर पिच जिसे कहते हैं उसका भी भी तो दो 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 जरूरी है।, है बहुत जरूरी है लेकिन इट डोकसू बहुत बहुत अजाब है लॉग लाइन और मैं बहुत बुरी बनाती हूँ मैं बहुत ही एक स्टूपिडिटी करता हूँ अब पिच करते हुए <laughs> uh, ब्रेकिंग बैड जो है उसमें विंस द लॉग लाइन फॉर ब्रेकिंग बैड वाज इट्स इट्स चिप्स ये तो बहुत जीनियस है Wow. तो अब मैं किसी को भी लॉग लाइन देनी होती है ना मैं बोलता हूँ दिस इजनिक वो दो जगस्टोजिंग थिंग hmm. <laughs> wow. <laughs> uh, जिसने देखी भी है ये कि सारे कैरेक्टर्स फ्लॉड हैं मॉरली करप्ट हैं लेकिन आप यू कॉन्ट स्टॉप वॉचिंग दैट शो इट्स अमेजिंग स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ ह्यूमन फ्लॉज एंड उसके एक बंदे का डिसंटिग्रेशन सोसाइटी में किस तरह वो अपने आप को क्या बात है ज़रूर देखें सब

But even in the first season, the first few episodes, you're like, "This man will crack." I see it mm -hmm. in his eyes. Like there is, like he's not Malcolm's father in that right from episode one. <laughs> he is brilliant. I had the good luck of watching him on stage. Uh, uh, LBJ. Uh, Brian. Uh, uh, as, as Lyndon as B. Johnson uh, in the uh, network. Uh -huh. <laughs> जो एक अमेजिंग फिल्म है बाय द वे वन ऑफ माय अदर फेवरेट फिल्म्स इट वाज जस्ट व्हेन टेलीविजन जो है अमेरिका में वाज गेटिंग पावरफुल एंड इट्स इट्स मेड इन द आई थिंक बहुत ही आला फिल्म है ऑन द इंपैक्ट ऑफ न्यूज नाइस ऑन ऑन सोसाइटी हमें तो देखनी चाहिए मुझे टिकट नहीं मिली मैंने बहुत कोशिश की थी लिंडन बी अच्छा अच्छा ऑल द वे आई थिंक प्ले का नाम था ही ऑन ब्रॉडवे एक्टर ये जो हैं ना I feel like बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं इनको क्योंकि comedy, जो लोग कॉमेडी करते हैं उनके अंदर बहुत दर्द होता है अमीर तो आज तो अटैक्स ही होते जा रहे हैं <laughs> इस तो ये जो के हमें बताए जा रहे हैं कॉमेडी एक्टर ड्रामेटिक एक्टिंग कर सकता है कॉमेडी एक्टिंग

in the world oh. and i look at him and better call Saul yeah. right like kills it kills it mm -hmm. so some can't get away like seinfeld <laughs> seriously seinfeld actor he's playing seinfeld but even that. george costanza i can't even uh, <laughs> wo, julia Louis She, आपने वीप देखियंट राइट oh, oh, और वीप बिल्कुल सही पे आ गया. हाँ. अगर वो एक दो साल भी आगे होता है लास्ट फनी अमेरिकन शो दैट एग्जिस्टेड उसके जो so आप बात करी आई थिंक वीप इज एवरी बडी प्लेस ऑफ इच अदर ब्यूटिफुल चले आपके ऑडियंस बोर ना हो जाए लेकिन आपसे हाँ। मैं ऑडियंस ने जो सवाल पूछे हैं मैं जरा हाँ वो भी पूछ लूं मुझे पता पता है 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 कि कि आपने डिनर पे भी जाना है इसके बाद ऑडियंस को कैसे पता है कि मैं हूं? मैंने बताया ना कि आप आ रही हैं अच्छा इसलिए अच्छा। तो उन्होंने बोला है इंडस्ट्री फिल्म ड्रामाटो फॉर एग्जाम्पल सबमिटिंग आइडियाज शॉर्ट्स कोई तरीका दिए है कोई? Uh, to submit, हाँ. to television? कहीं पे भी? अगर किसी ने <laughs> चाहिए किसी को कहाँ जाए ब्रेक चाहिए डिपेंड्स के देखो टीवी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सीरियल्स बना रहा है except for some people, जो अब में कर रहे हैं लोग बट मोस्टली सीरियल्स हैं तो वहाँ ब्रेक थ्रू करना जरा सा ज्यादा चैलेंजिंग है unless आप सीरियल लिखो दी अदर ऑप्शन है कि आप शॉर्ट फिल्म आ, बाहर एक चीज़ है कॉल कवरफ्लाई वेरी वेरी यूजफुल साइट राइटर्स के लिए वहाँ आपको कॉम्पिटिशन्स बताएगा फॉर ऑल काइंड ऑफ राइटिंग्स वो आप सब अपनी स्क्रिप्ट जो भी है वो अपलोड करें आप इनरोल करते रहें कहीं ना कहीं शायद आपको मिल जाए यू नो ग्रांट मिल जाए या फेस्टिवल में एंट्री हो जाए स्क्रिप्ट की एंट्रीज होती हैं एक ये तरीका है दूसरा अनफॉर्चुनेट uh, हमारे पास ऑप्शन फिल्म इंडस्ट्री भी मतलब नॉन एक्जिस्टेंट है दूसरा अदर क्वेश्चन वाज इंसुलर वाली बात यस आई थिंक है इंसुलर। आई थिंक हम आई थिंक दैट इज़ आल्सो रिफ्लेक्टेड जो राइटिंग की बात हो रही थी कि हम लोग थोड़ा अपने इंडस्ट्री से बाहर सोचें तो बेहतर होगा बट सोचते भी हैं लॉट ऑफ एक्टर्स जो यू you नो know, अच्छे काजेज़ के लिए काम कर रहे हैं अपनी वॉइस रेज करते हैं जब कोई सोशल इशू हो mm -hmm. तो वो भी हो रहा है बट आई फील हमें अपना डंडोरा नहीं पीटना चाहिए ज़्यादा बिकॉज अ लॉट टू लर्न इन आ इंडस्ट्री अभी हम पहुँचे नहीं हैं, हम कहते हैं ना हमारे ड्रामे ये हैं वो हैं देख रहे हैं लोग बट आप पूरी दुनिया के ड्रामेज देखो, अभी कुरियन देखें कुरियन फैंटेस्टिक वो सोशल इश्यूज़ भी एड्रेस करते हैं वो इन क्वालिटी ऑफ वेल्थ एड्रेस करते हैं रिच पुअर डिवाइड और किस खूबसूरती से बताते हैं वो चीज़ें पारशाग भी पारशाग भी हाँ, के पैरासाइट ऑल ओवर आर डेड विच इज द जोम्बी सीरीज क्या बात है इज नॉट जस्ट अ जोम्बी सीरीज उसमें भी क्लास के बारे में है सो इथ देर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स मे बी जो हम ट्राई कर रहे हैं ड्रामों में कहना बट उसको जरा सा स्मार्टली कहने की जरूरत है ये नॉट स्मार्टली बट इन अ मोर इंटरेस्टिंग वे आई फील बहुत लेजी जो आपने कहा लेजी ऑब्वियस राइटिंग हो रही है आजकल आई देख हम एक वो जो एक हमारे अंदर घुसाया हुआ है कि पाकिस्तानी तो जाहिल होते हैं स्पेशली हमारी जो इलीट अर्बन क्लास है उसको लगता है कि मासेस पाकिस्तानी तो मतलब जंगल में बंदरों की तरह है तो फिर वो जब कंटेंट भी बनाते हैं लाइक फीड like करके I, saying, कि आप ऑडियंस को कोडर कर रहे हो उनको वही फीड कर रहे हो फिर वही आप कह रहे हो रेटिंग्स दे रहे हो आप उनको सरप्राइज करो एंड दे विल सरप्राइज यू आई फील मीन हम फंडामेंटली कोई डिफरेंट लोग तो नहीं है अगर इंडिया में इवन इन द स्मॉलर सिटीज़ आयुष्मान खुराना टाइप मूवीज चल रही हैं तो हमारी भी तो वही आवाम है बिल्कुल? अगर वो यहाँ चल रही होती तो वो यहाँ भी चल रही होती हैं एब्सोल्युटली और आराम से आप नेटफ्लिक्स पे देख लोगे बट यही आइडिया अगर आप फाइनेंसियर्स को ले जाओ वो कहेंगे ये तो फिल्म का नहीं है ये तो टेली फिल्म लग रही है हमें व्हाई शी नॉट मेकिंग एंड फिल्म्स सो आई एम कोई रिलीज नहीं हो रही <laughs> अभी मैंने अनफॉर्चुनेटली जी भी बैन हो गया लास्ट मैंने जी पे किया एक सिक्स एपिसोड जो इस साल रिलीज़ होगा एक जियो के लिए एक फ़ोर एपिसोड क्राइम सीरीज़ की है और अभी दूसरी कंप्लीट की है अब वो रिलीज़ हो जाए सीरियल मैंने वही चार पाँच साल से नहीं किया क्योंकि मैं नहीं कर सकती पच्चीस तीस एपिसोड ट्राई कर रही हूँ लोग मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर लें कि कर लो

आपकी इन ही रहता बट एक हाँ, दो जो हैं वो तो उतनी एग्रेसिव रोल्स लिखती हैं जितने मर्द लिखते हैं तो हाँ, वो एक इंटरनलाइजेडरी भी तो है ना बिल्कुल लिखते हैं बिल्कुल आई एग्री विद यू आई विश के औरतें ज़्यादा डायरेक्शन में आ जाएँ आई थिंक बनस्पत you know, रेशियो काफ़ी कम है uh, फ़र्क पड़ता है अगर एक मेल गे से एक चीज़ डायरेक्ट की जा रही है हंड्रेड आई फील आई थिंक अ देंसिटिविटी दैज समथिंग जो आप अपने एक्सपीरियंसिस से लाओगे उस कैरेक्टर में जो शायद इट्स नॉट ऑल द टाइम आई मीन मैन हैव मेड इनक्रेडिबल बहुत अच्छी फिल्में टी वी सीरीज बनाई हैं अबाउट वेमेन mm -hmm. ऐसा नहीं है बिकॉज इन दी एंड वेमेन आर ह्यूमन बींग्स एंड इट्स ह्यूमन इमोशंस बट आई फील ब्रिंग दैट एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग स्पेशली हमारे यहाँ आई थिंक और हों तो अच्छा होगा नहीं है वैसे इतनी डायरेक्टर्स तो बहुत कम हैं चार पाँच ही हैं आई वुड लव हर टेक ऑन अ शो लाइक तेरे बेन विच इज़ ऑब्वियसली सो ओटीटी बट द लीड कैरेक्टर्स फील एक्चुअल इमोशनल रिएक्शन एंड समेप टू देर कैरेक्टर्स मुझे देखना पड़ेगा टू कॉमेंट वाई डी फॉलो डी फॉलो ऑन टी वी बोट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल तो हमने बता दिया थोड़ा बहुत बहुत ही बात कर ली डोमेस्टिक क्या देख रही हैं डोमेस्टिक आजकल तो कुछ नहीं देख रही सरे रहा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था अभी ये फर्स्ट एपिसोड फॉलोड फॉलो डे बिट

What's the future plans? By the way, my favorite was Malal. Thank you. Future plans are uh, lots of uh, lots of ideas. Uh, देखते हैं आप क्या बनता है। आपका इस freelance director का कुछ जो जिंदगी है वो इतनी glamorous नहीं है जितनी लगती है। uh, एक project के बाद आपको फिर दूसरा देखना होता है कि क्या बनाना है। Because मैं भी एक uh, you know like everyone else I'm a working woman। uh, मेरी भी कोई industries नहीं है। जहाँ से पैसा आ रहा है तो इट्स वन प्रोजेक्ट आफ्टर अनदर यू हैव टू फिगर आउट बट ये एक uh, मज़े की भी जिंदगी है बिकॉज आपको अपरचुनिटी मिलती है कि हर बार आप नई कहानी बता रहे हो तो अब मैं सोच रही हूँ क्या बताऊँ कब आऊँ हाँ? एक एक पे बहुत मज़े की कहानी है जिस पे काम हो रहा है जो अहमद साहब लिख रहे हैं लिमिटेड सीरीज यू डायरेक्टिंग थिंग्स इन ब्रुकलिन नो आई आई एम नॉट करेंटली रियली टू सीरियल्स तो बहुत बनाए हुए हैं न्यूयॉर्क में हमारे ना, आ, हमारे वहाँ के हाँ नहीं बनाए

<laughs> अब तो अब में कमाना पड़ेगा, <laughs> मुश्किल <laughs> है। यही है साजबहू एंड पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स ओनली लिमिटेड टू यंग हीरोज कैन यू प्लीज आस्कर इफ देर एनी चांस वील बी सींग वन ऑफ आर एपिसोड ड्रामाज और सीरीज लाइक कहानियाँ एंड न्यूयॉर्क स्टोरीज अगैन एनी टाइम सून सो आई थिंक आप एपिसोड जो विच है तो ये दोनों है दे बेस्ड ऑन क्राइम्स मेरा नाम यूसुफ है एंड जैकन हाइट्स आर आर मोस्ट फेवरेट लव फ्रॉम इंडिया Why पाकिस्तानी films गॉट लेफ्ट बिहाइंड वर टू मेनी taxes or finances द रीज़न बिहाइंड द लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा उसका जवाब तो मैं हाँ देना क्या मसला है पाकिस्तानी फिल्म।, <laughs> <पाकिस्टानी> फिल्म में <laughs> <पाकिस्टानी> फिल्म में <laughs> यार अपॉर्चुनिटी uh, अपॉर्चुनिटीज़ हैं लैक ऑफ सपोर्ट ईशूज़ हैं लैक ऑफ सिनेमाम आई मीन उस